पीएम मोदी के बयान की बॉलीवुड में हुई तारीफ। प्रोड्यूसर ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर 1 घंटा 40 मिनट तक बोलते हुए कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राम मंदिर, सीए, जम्मू कश्मीर, 3 तलाक, पाकिस्तान, नेहरू समेत कई मुद्दों का जिक्र किया। पीएम ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी तीखा प्रहार किया। अब पीएम के इस भाषण की तारीफ बॉलीवुड में होने लगी है। प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी आपको और शक्ति मिले। आपने जिस तरह विपक्ष को ध्वस्त किया उसे खूब पसंद किया। यह सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं था। एक और ट्वीट में अशोक पंडित ने लिखा, 19 जनवरी 1990 में कश्मीर तब नष्ट हो गई जब कश्मीरी हिंदुओं को अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी थी। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी जो आपने आज संसद में विपक्ष को यह याद दिलाया। हमारे लिए कश्मीरियत एक बहुत बड़ा स्वांग था। कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि देश ने देख लिया है कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है। जब बात निकली है तो दूर तलक जानी चाहिए। किसी को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए हिंदुस्तान में लकीर खींची गई और हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर 1950 को इसी संसद में नेहरू जी ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रभावित लोग भारत में बसने के लिए आए हैं, ये नागरिकता मिलने के अधिकारी हैं और अगर इसके लिए कानून अनुकूल नहीं है तो कानून में बदलाव किया जाना चाहिए।